बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। हमारे पास है ये भी बाइक, तो इसकी बनानी है शाखें, और तो भाई साहब की शाखें लीक हो चुकी थी मोटरसाइकिल की, तो शाखें फील डालनी है, आज डालना है इनके शाखें मरम्मत करनी है, दोबारा से रिपेयर करनी है। तो अभी जी खोल रहे हैं, इसका चेक करेंगे कौन क्या क्या मसला आ रहा है अंदर से, तो फिर आपको बताएँगे जी क्या मसला आ रहा है। तो अभी पहले काबू उतार लेंगे इसके, हाँ वैसे खुल तो चुकी है, तो इसके बाद जी इसको कप इसके खोलेंगे, और ये देख सकते हैं जी कि ये आगे से खुल चुकी हैं, और ये कप निकाल रहे हैं, तो कप निकल गया एक, ये देख कप निकल चुका है, आयल भी बाहर आ रहा है, तो इसको कल्टी कर देंगे डब्बे में, क्योंकि नीचे खिलारा ना क्योंकि काम यहीं पे करना है, तो उधार भी ख़राब होंगी, हर चीज़ ख़राब है। ये साफ है, को गंदी है, थले पई है जड़ी चुकी है, और ये भी साफ हो चुकी है, तो अभी इसको कल्टी करके इसको साफ कर लेंगे, फिर बताते हैं प्रॉब्लम क्या। अक्सर रॉड भी ख़राब हो जाते हैं अंदर से, या सील ही के लिए डली होती है, या आयल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से शाख गड़बड़ करते हैं या वर्किंग करना छोड़ देते हैं। तो अभी जी इसकी सील डलने वाली है, अबू जान बता रहे हैं एक की तरफ सील डलने वाली है, और अभी जी इसको खोल के उसकी सील डालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है, इसको थोड़ा सा बताएँगे साथ इसको, तो नरम हो जाएगी, तो खुलने में आसानी हो जाएगी। तो ये लगे, ये लगा, ये लगा, ये मार मार हालत पूरी करती है इसकी, ये देखिए आसानी से खुल गया, वरना ये बहुत ज़्यादा जोर लेते हैं। तो देखिए अभी दोनों खोल चुके हैं, देखते हैं इसका भाई साहब के साथ वाले का, इमरान झाली वाले का, और इसके अंदर से सील निकाल लेते हैं, सील फट चुकी है, क्योंकि ये ज़्यादा से जोर से नीचे लगी होगी या बिलिंग उठाने की वजह से अक्सर हो जाता है, या वजन ज़्यादा हो तो कम हो जाता है, या गिर जाए तो सील लीक हो जाती है अक्सर, तो भाई इसकी सील लीक हो चुकी है भाई साहब। रात वे निकाला ना, ये उधार उधर उधार स्ट्रेच रहा दे, इधर सामान इधर रहा दी, नहीं कर रही शाखें क्योंकि आयल की वजह से ज़्यादा चलती हैं, तो आयल नहीं था अंदर, खुद की आयल बहुत कम था, जिसकी वजह से ये कर 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 कहना मैं लेतरा क्या निशी दाना पहले तो हाई से ऊपर से सफाई कर लेंगे, कहना मैं और फिर एक्सल डाल के निकाल लेंगे, ऊपर पहले लगता है लाख, ये देखें पहले ऊपर सफाई हो जाएगी, और उसके बाद लाख निकाल लेंगे, तो लाख निकालने के बाद उसके तेल निकाल लाख निकल चुका है, और अभी जब करें एक्सल तो करें पहले भी कर लेते हैं, लाख निकालते हैं, और लाख निकल चुका था, अभी दुकान खा रहे हैं, तेल तेल तब्दील करनी है, न्यू डाल देंगे, और ये निकाल लेंगे, निकालने के बाद जान छुट जाएगी, मुझे अभी जान निकाल लेंगे फील, ये निकल जाएगी, बड़ा ट्रेन कट किया भाई साहब, ये देखिए निकल चुकी हैं दोनों, ये देखिए जैसे कि मैंने दिखाया, और तेल निकल चुकी है। तो अभी तो व्यूअर इसके बाद जी जैसा कि मैंने बताया, सारे सामान अच्छी तरह से धोएंगे पेट्रोल के साथ, पेट्रोल निकाल लिया हमने इसकी गाड़ी में से ही, तो इसको अच्छी तरह से धोएंगे, ग्लासियाँ वगैरह, इसके कप, अंदर से शाख, राड, स्प्रिंग, ये सारी चीज़ें अंदर से धो लेंगे इसको अच्छी तरह पेट्रोल से। तो ये जी आप देख सकते हैं व्यूअर, जैसे कि मैं अभी स्पीड के साथ काम कर रहा हूँ क्योंकि अकेला हूँ, अभी अबू जान गए हैं खाना खाने, और शकीत भी गए हैं खाना खाने, तो मैंने सोचा मैं इतने ये सफाई कर लेता हूँ, इनको धो लेता हूँ अच्छे से, जैसे ये आएंगे तो फिटिंग करना शुरू कर देंगे, रुकावट नहीं बनेगी हमारी। तो ये जी अभी धो लेंगे सारा सामान, पहले अच्छे से धोएंगे स्प्रिंग ये वो जो भी है, तो फिर इसको कपड़े खुश कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर लेंगे। तो अबू जान अभी आए हैं, तो अभी ही जा रहे हैं किसी काम, तो अबू जान ने कहा जी मैं आता हूँ, आप इतने सफाई करें इसको धोएं, तो मैं आ जाता हूँ। मैं कहा ठीक है जी, जाओ जाओ जाओ, आज़ाद बंदे हो तुसा। तो जी इसको मैं जी अच्छी तरह से धो लेते हैं, जान छूट जाएगी, तो आते ही फ़ौरन काम शुरू कर देंगे। ये जी राड, अक्सर ये ख़राब भी हो जाएँ तो
यही चलाने का तरीका है हमारे पास। तो अगर राड नए ना डलवा सके कोई आदमी, तो इनको कल्टी करवा लिया जाता है, तो उससे ये काफ़ी अर्सा चल जाते हैं। खराद की दुकान से हो जाते हैं ये कल्टी, तो ये नए जैसे हो जाते हैं बिल्कुल फिर कल्टी करवाने से। तो वीवर इनको पहले अच्छे से धो लें, अगर राड आपके ख़राब हो जाए तो कोई मैकेनिक कहे के न्यू डलवाओ, तो एक बार खरादिए के पास चेक ज़रूर करवाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि भाई साहब ये कल्टी करवा लें तो चल जाएंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर चल जाएंगे, नए जैसे हो जाते हैं पहले जैसे बिल्कुल। तो ग्लासियाँ और स्प्रिंग वगैरह ये जी हर सामान धुल चुका है, एक दो सामान ही रहता है, और नट काबले रहते हैं ये भी धो लेते हैं। ये धोने के बाद जी इनको कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ करेंगे, खुश कपड़े के साथ और साफ़ कपड़े के साथ इनको साफ़ कर लेंगे, और इसके बाद इनको फिर इसी तरह वापस फिट कर देंगे अच्छे तरीके से। अभी जिनके अंदर होती हैं जो गोलियां वो पिन है वो साफ़ कर रहे हैं जी, और ये सामान कल्टी कर लिया, अब ट्रे इसको साफ़ कर लेंगे कपड़े से और इसके अंदर सामान रखते जाएंगे। जब साफ़ करेंगे ये देखें जी कपड़े के साथ साफ़ कर लिया, अब दूसरा कपड़ा उठाएंगे और इसको साफ़ कर इस साइड पे रखते जाएंगे, शाखें वीआईपी बन जाएंगी। ये देखें जी सबसे पहले राड साफ़ कर लिए हमने, देखें न्यू हो चुके हैं, पहले ये मिट्टी से भरे हुए थे तो पेट्रोल से धोई हैं, तो वीआईपी काम बन गया इनका। तो नाज़रीन इसके बाद जी फिटिंग, तो फिटिंग पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी अबू जान भी चले गए हैं और शिगिर्द भी चले गए हैं हमारे, तो शायद थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ फिटिंग नहीं कर सकता, तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी वीवर सॉरी, क्योंकि कॉल आ गई थी बीच में तो कॉल अटेंड करनी पड़ी मुझे। तो अभी जी ये काम हो चुका है, सफाई हो चुकी है, सिर्फ इसको साफ़ साफ़ करके इधर रख रहे हैं, तो ये जी काम हो जाएगा। और ना वीवर देख सकते हैं कि काम हो चुका है, हर चीज़ सफाई हो चुकी है, तो वाह भी फ़ौरन आ गए थे, तो भी काम शुरू कर दिया, कार अभी आए नहीं है, कार में आते ही हैं तो कार आ जाए, पहले जी सील डाल लेते हैं, अभी जान भी आ चुके हैं, ये जी सील डाली जा रही है, ज़्यादा ज़ोर से सट नहीं लगानी चाहिए वरना सील दोबारा लीक हो जाती है, पुरानी सील निकाल लेंगे या दोबारा फिर डालें क्योंकि थोड़ी नीचे का पुरानी सील रख के ऊपर शॉट लगाएंगे तो नीचे जो फिक्स हो जाएगी उसको वापस निकालेंगे, तो उसी तरह दूसरे में डालेंगे। ये देखिए हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो आपको मिल जाएगी, डाला जा रहा है जिसका लाभ आपको दिखाया था कि निकाल रहे थे खुले ही रहते गंद मार के चले जाते हैं, कहीं डल जाती है लेकिन कामयाबी नहीं है क्योंकि आगे लाभ होना चाहिए जरूरी है, मजबूती हो जाती है, उसको कप डाल लेंगे, कप कप आ गई लगाएंगे आराम आराम से, क्योंकि बैलेंस के साथ लगानी पड़ती है भाई साहब, काम खराब हो जाते हैं तो खा जाए। अभी जी इसको टाइट करें, शार्क फिट हो चुकी हैं, और फिर यहाँ अंदर आयल डाल रहे हैं, आयल लेवल होना चाहिए, अगर एक में ज़्यादा कम होगा वो हो जाती है, काटे सी क्वार्टर 130 रुपए का दिन देने मेरे ख्याल से, और अभी जान आई डाल के दे रहे हैं लेवल करके, लेवल करना थोड़ा मुश्किल काम है, सब थोड़ा काम कभी ज़्यादा हो जाते हैं प्रोजेक्ट के, तो अभी ये लेवल और सॉरी हसीब भाई ने अबू जान लेवल कर रहे हैं और हसीब भाई शार्क टाइट कर रहे हैं, ये जी शाबाश जवान, तो ये टाइट हो चुकी है, ये रहती है थोड़ी सी कसर रहती है, चलो जी तो अभी ये जोर लगा के शाबाश बस ये टाइट हो चुकी है, अभी अब इसको रख देंगे, अब दूसरी शाख को टाइट करना है, ये शाख तो हो चुकी है, ये इसका ही नट लगा लेंगे, ये जी आयल डाल दो अभी जी, इसका आयल डाल चुका है और दूसरी शाख में वो जाना है डाल रहे हैं,
इसका नट लगा देंगे वापस आयल डाल के, और उसी शाफ्ट में आयल डाला जा रहा अभी। नहीं नहीं आज उन्होंने दीनदार भी लड़ाया खड़ा है, आयल ओके दीनदार भी लड़ाया चुका है, बराबर हो चुका है। ये देखें आने वाले यार टाइम तो उधर नेड़े हो गया। ये उनके लिए देसी घी है चाकों के लिए आयल डालना। आजकल क्लोजिंग चल रही है बैंक की, साथ साथ काम करवाते हैं तो गाड़ी कभी नहीं ख़राब होती। ऐसे एक तो काबला टूट जाए या घिस जाए तो बंदा छोड़ देता है, तो फिर कहता है कि जब इकट्ठा ही करवाएंगे, लेकिन फिर वो काम ज़्यादा निकल आता है तो बंदा सोचता है यार अब चगाड़ा हो गया तो बेच दें। इसके इससे पहले कि बंदा ऐसी नौबत आए तो बंदा पहले ही साथ साथ छोटा मोटा काम करवाता रहे। तो ये जी नट टाइट हो चुके हैं, लेकिन निसार भाई बैठे हुए हैं गप्पे लगा रहे हैं अब के साथ, फसाई जा रही है और लगा के शाबाश अच्छा जी तंग कर रही है। एक और चिड़िया हमारे पास शाखें तंग करेंगे आ जाए पर साइड के यहाँ पर नट लगाया जाता है शाह पर शाख से नीचे उनको पकड़ने के लिए, तो उस साइड पर होती है थोड़ी सी जगह वहाँ पर देखते सी मज़ेदार चीज़ें से शाख है उसको थोड़ा सा साइड लगाएं और फिर शाख आसानी से अंदर चल जाए। व्यूअर देख सकते हैं अभी आपको ये करके दिखाएंगे सिर्फ भाई, ये देखना अभी कैसे जाती है बहुत तंग कर दिया। देखा मैंने बताया था ना आपको इसी तरह दूसरी चाप भी करके दिखाते हैं, आपको नहीं देखा लेकिन इसी चाप में आपको दिखाएंगे। ये काबला है तो ये काबला होता है यहाँ कुछ नीचे एक खुराक होता है यहाँ पर देख सकते हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह उन्हें ना देनी बंद कर दे गाड़ी, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो जी ये शाखें हो चुकी हैं फिट जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चाल भी जो है ना मिनट मार मिनट मार ये तो अभी आज का लोग यहीं पे करते हैं ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शाखें हो चुकी हैं ओके, तो हम भी चलते हैं जी अगले व्लॉग में मिलते हैं जी। तो व्यूअर गाड़ी हो चुकी है तैयार, ये शानूर भाई की गाड़ी है। इसी तरह की मज़ीद इससे रिलेटेड मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।